बात वाराणसी से बड़ी खबर की। ज्ञान वापी का सर्वे लगातार जारी है। एएसआई ने सर्वे के लिए 4 टीमें बनाई है। सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के वकील भी मौजूद हैं। क्या है ज्ञान वापी में शिवलिंग का सत्य? क्या वजूखाना में शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष का दावा तथ्यों पर आधारित है? दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में। जी हाँ, क्योंकि 21 जुलाई 2023 को वाराणसी जिला कोर्ट के जज ए.के. विश्वेश ने आदेश जारी कर ज्ञान वापी मस्जिद परिसर के सर्वे की इजाजत दी है। यह इजाजत कोर्ट ने उस अपील के बाद दी है जिसे 16 मई 2023 को 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर किया गया था। हालांकि कोर्ट ने मस्जिद के वजूखाने के सर्वे की इजाजत नहीं दी है क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सील कर दिया गया था। अब कोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मस्जिद परिसर में होने वाले सर्वे को रुकवाने का आग्रह किया है। इसके बाद 24 जुलाई को सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में हो रहे एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई तक के लिए रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की डिटेल को समझाने वाले हैं और साथ ही हम ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास पर भी चर्चा करने वाले हैं। यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल 1996 में हिंदुओं की मांग पर सरकार ने बाबरी मस्जिद में लगे ताले को खुलवाकर भगवान श्री राम की पूजा करने के लिए छूट दे दी थी, जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन में काफी तेजी आई और इसी बीच आंदोलनकारियों ने अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बीच में मथुरा और काशी का मामला उतना तेजी से नहीं उठाया गया था। लेकिन साल 2021 में दिल्ली की राखी सिंह नाम की एक महिला के साथ 4 दूसरी महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार, गौरी और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने की परमिशन के लिए वाराणसी की एक निचली अदालत में अपील की थी, जिसके बाद काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामला सुर्खियों में आ गया। अपनी याचिका में महिलाओं ने दावा किया है कि देवी देवता प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद है जो विवादित क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उन्हें इन देवी देवताओं की पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि इस इलाके में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में हिंदुओं को साल में एक बार नवरात्र चतुर्थी को पूजा की इजाजत है, लेकिन हिंदू पक्ष अब प्रतिदिन पूजा करने की इजाजत मांग रहे हैं। महिलाओं की अपील के करीब 8 महीने बाद अप्रैल 2022 में कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला देते हुए मस्जिद के पूरे क्षेत्र का सर्वे करने और उसके वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। लेकिन कोर्ट का यह आदेश मुस्लिम पक्ष को सही नहीं लगा और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसे हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी के एएसआई की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया जाने लगा। सर्वे के दौरान ही मस्जिद के वजू खाने में एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसे लेकर विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जाने लगा कि यह स्ट्रक्चर है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे फव्वारा यानी वजू बताया गया। किसी तरह की घटना ना हो इसे देखते हुए पूरे मस्जिद को सील कर दिया गया था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट से मस्जिद में नमाज जारी रखने की इजाजत मांगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दे दी, लेकिन वजू खाने को सील करने का आदेश भी दे दिया। खैर, आपको बता दें कि सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह भी सवाल उठाया था कि जब पूजा वाली जगह मस्जिद की पश्चिमी दीवार की बाहरी ओर है यानी विवादित जगह पर नहीं है तो मस्जिद का सर्वे क्यों किया जा रहा है। लेकिन वाराणसी जिला जज ए.के. विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को भी खारिज कर दिया था और सर्वे पर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाया गया। दोस्तों, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर अब तक देश में कब कब और क्या क्या हुआ है, आइए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर पक्षकार पहली बार कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इससे पहले भी हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद को यहां से हटाने की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया गया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अभय यादव के मुताबिक साल 1991 में एक केस फाइल किया हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद जहां बनी है वो काशी विश्वनाथ की जमीन है, इसलिए मुस्लिम धर्म स्थल को हटाकर उसका कब्जा हिंदुओं को सौंपा जाए और ये केस अब भी कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा स्थानीय लोगों के मुताबिक मस्जिद को लेकर सबसे पहला विवाद 1809 में हुआ था जो सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया था। साल 1936 में भी अदालत में एक मुकदमा दायर हुआ जिसका फैसला उसके अगले साल 1937 में आया और उस फैसले में निचले कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने मस्जिद को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मानी
बनी थी। फिर साल 1996 में भी बनारस के सोहनलाल आर्य ने सर्वे की मांग को लेकर बनारस की कोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों, दिसंबर 2019 में अयोध्या फैसले के करीब एक महीने बाद वाराणसी सिविल कोर्ट में हिंदू पक्ष ने एक नई याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने की मांग की है। लेकिन उस अपील के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की और वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। लेकिन साल 2021 में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी कोर्ट ने मामले को दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी, जिसके बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाई कोर्ट ने फिर से सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कोर्ट को फटकार भी लगाई। लेकिन फिर उसी साल अगस्त के महीने में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की अनुमति के लिए वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिस पर सुनवाई करते हुए अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए और इस वक्त अब इस केस पर सुनवाई और कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में एक नहीं बल्कि हजारों धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है और ये विवाद आजादी के पहले से ही है। इसे लेकर कई बार सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं, जिसमें देश को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इसी को देखते हुए साल 1991 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उपासना स्थल कानून पास किया, जिसके मुताबिक आजादी के वक्त जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे उसे उसी स्थिति में बरकरार रखने की बात कही गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आगे 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल पर हिंदू या फिर मुस्लिम का अधिकार था तो हमेशा उसी का ही अधिकार रहेगा और दूसरा कोई भी पक्ष किसी भी ग्राउंड के आधार पर उस पर अपना क्लेम नहीं कर सकता है। हालांकि इस कानून में अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को एक के रूप में रखा गया था। कहने का मतलब ये है कि उपासना स्थल कानून 1991 अयोध्या के राम जन्मभूमि क्षेत्र पर लागू नहीं होता, लेकिन इसके अलावा भारत में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च हैं, सभी पर यह कानून लागू होता है। दोस्तों, अब तक हमने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को देखा और साथ ही यह भी देखा कि अब तक इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने क्या क्या किया। इसके अलावा हमने भारत सरकार के उस कानून की भी बात की जो भारत के सभी धार्मिक स्थलों को उसकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अब हम काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि बिना इसके इतिहास को जाने किसी बात को कंक्लूड करना आसान नहीं होगा। तो आइए वीडियो के इस सेक्शन में हम इसके इतिहास को समझ लेते हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ का मंदिर आदिकाल से ही है और वह हिंदुओं के आस्था का केंद्र रहा है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, लेकिन इस मंदिर को कई बार तोड़ा और बनाया भी गया है। मान्यता है दोस्तों कि मेन काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश के बाद तोड़कर उस जगह एक मस्जिद बनाई गई थी, जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसके बाद बनारस के मुख्य मंदिर के साइट के बगल में इंदौर की मराठी रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में विश्वनाथ मंदिर को बनवाया था, जो आज भी वहां पर मौजूद है। काशी विश्वनाथ के ओरिजिनल मंदिर की बात करें तो हिंदुओं की मान्यता ये है कि आज जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर राजा विक्रमादित्य के काल में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो हिंदुओं के लिए एक भव्य धार्मिक स्थल हुआ करता था। लेकिन मंदिर के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में भी एक मत नहीं है। जी हां, इतिहासकार राजीव द्विवेदी के मुताबिक मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने साल 1585 में करवाया था। आपको बता दें कि यह वो समय था जब हिंदुस्तान के मुगल सम्राट अकबर का शासन था और राजा टोडरमल अकबर के ही दरबारी थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी तक यह भी सिद्ध नहीं हो पाया है कि मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने खुद करवाया था या फिर बादशाह अकबर के आदेश के बाद हुआ था। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद पर गहन शोध कर चुके योगेंद्र शर्मा ने यह भी बताया है कि टोडरमल के मंदिर बनवाने और फिर 1669 में औरंगजेब के आदेश से तोड़े जाने के बाद करीब 125 सालों तक कोई विश्वनाथ मंदिर काशी में मौजूद नहीं था। मस्जिद की देखरेख करने वाले कमेटी का कहना है कि मंदिर और मस्जिद का निर्माण दोनों साथ ही किया गया था। हालांकि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव रिलीजन के प्रोफेसर डायना एल ईग भी यही मानती हैं कि मंदिर को तोड़ा गया था और फिर उसके आधे टूटे हुए हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। खैर दोस्तों, ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है तो इस पर अपना कंक्लूजन देना सही नहीं होगा। हमने आपको पूरे विवाद को समझाते हुए इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी बताया। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।